जून 1950 में जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दूसरे विश्व युद्ध से उबर ही रहा था, कोरियाई प्रायद्वीप में एक नया संघर्ष शुरू हो गया और पहली बार महाशक्तियों में चल रहे शीत युद्ध में अचानक गर्मी आ गई। नॉर्थ कोरिया की कम्युनिस्ट सेना 1945 में तय 38वीं समानांतर सैन्य सीमा रेखा को पार कर दक्षिण की तरफ बढ़ी। दक्षिण कोरिया, अमेरिका, ब्रिटेन और उनके सहयोगियों ने इसका जवाब दिया। आंकड़े कुछ और हैं, पर कम से कम 20 लाख कोरियाई नागरिक, 15 लाख तक कम्युनिस्ट सैनिक, 30,000 अमेरिकी सैनिक, 4 लाख दक्षिण कोरियाई सैनिक और करीब 1,000 ब्रिटिश सैनिक इस युद्ध में मारे गए। चीन, जापान और सोवियत संघ सालों कोरियाई प्रायद्वीप पर अपने प्रभुत्व की कोशिश करते रहे। जापान ने तो 1910 में कोरिया को उपनिवेश तक बना लिया और दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक वहां शासन किया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण से सिर्फ 7 दिन पहले सोवियत संघ ने बदलते हालात का फायदा उठाया और कोरिया में प्रवेश कर गया। बाद में सोवियत संघ और अमेरिका 38वें अक्षांश पर कोरिया को बांटने के लिए राजी हो गए। सोवियत यूनियन को इस रेखा के उत्तरी हिस्से का और अमेरिका को दक्षिणी हिस्से का अधिकार मिला। सोवियत संघ ने पूर्व छापामार नेता किम जोंग इल के नेतृत्व में उत्तर में एक कम्युनिस्ट तानाशाही स्थापित की। किम इल सुंग एक पूर्व गोरिल्ला नेता थे। 25 जून 1950 के सुबह उत्तर कोरिया में अचानक 38वीं अक्षांश रेखा को पार कर हमला बोल दिया। तुरंत जापान में मौजूद सैन्य ठिकानों से अमेरिकी सेनाएं भेजी गईं, मगर वो और उनके दक्षिण कोरियाई सहयोगी उत्तर कोरिया के साथ संघर्ष की शुरुआत में पस्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पास कर सभी सदस्यों से आक्रमण का विरोध करने के लिए मदद मांगी। संयुक्त राष्ट्र के तहत 14 देशों ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, तुर्की और इंग्लैंड मदद को तैयार हुए। जब उत्तर कोरियाई सेना बुसान एनक्लेव पर वार कर रही थी, इस संघर्ष में संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं के प्रमुख अमेरिकी जनरल डगलस मैकआर्थर युद्ध की दिशा पलटने की तैयारी में थे। उन्होंने 15 सितंबर 1950 को पश्चिम तटीय शहर इंचॉन पर एक साहसी समुद्री हमला बोल दिया। इंचॉन के किनारे पर उतरने का मकसद उत्तर कोरिया की रसद आपूर्ति काटना था। यह योजना जोखिम भरी थी क्योंकि इसका मतलब था अप्रत्याशित तूफान का सामना और मजबूत उत्तर कोरियाई सेनाओं के कब्जे वाले शहर में घुसने की कोशिश। शुरुआती बमबारी के बाद 2 बटालियन इंचॉन में घुस गई, हालांकि उन्हें किसी जवाबी हमले का सामना नहीं करना पड़ा। मैकआर्थर 15 अक्टूबर के इस हमले में कामयाबी को लेकर आश्वस्त थे। हालांकि 10 दिन बाद ही सीमा पर जमा हो रही चीनी सेना ने गुपचुप ढंग से मित्र देशों की सेनाओं पर हमला बोल दिया। जनवरी 1951 में अमेरिका और उसके सहयोगियों को सियोल के दक्षिण से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। दक्षिण कोरिया के अपेक्षाकृत खुले इलाकों में संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं अपना बचाव करने में ज्यादा सक्षम थीं। कुछ और महीनों की लड़ाई के बाद मोर्चा आखिरकार 38वीं अक्षांश रेखा के इलाके में आकर जम गया। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने ऐलान किया कि संयुक्त राष्ट्र अब युद्ध विराम पर हस्ताक्षर को तैयार है। युद्ध विराम के लिए 10 जुलाई 1951 को बातचीत शुरू हुई, लेकिन इस पर सहमत बनी रही कि दुश्मनी जारी रहेगी। युद्ध की खुले तौर पर आलोचना करने वाले ड्वाइट आइजनहावर जनवरी 1953 में ट्रूमैन की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति बने। आइजनहावर ने कहा कि वो संघर्ष खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। 27 जुलाई 1953 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मोर्चाबंदी को नई सरहद के तौर पर मंजूरी मिल गई। इसके बाद ऑपरेशन बिग स्विच चला, जिसके तहत दोनों पक्षों के हजारों युद्धबंदियों को लौटाया गया। युद्ध विराम संधि का मकसद अस्थायी था। इसमें कहा गया था कि इसका मकसद तब तक के लिए युद्ध विराम है जब तक शांतिपूर्ण निपटारा नहीं हो जाता। विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा कभी नहीं हो सका। 1954 के जिनेवा समझौतों में कोरियाई प्रायद्वीप पर चर्चा हुई थी, लेकिन मसले का हल नहीं हो सका और कोरियाई सीमा तब से बनी हुई है।